ऑल राइट फ्रेंड्स, तो अभी हम इसकी टाटा एल्ट्रॉस की ड्राइव करते हैं और देखते हैं क्या एक्सपीरियंस है कार का। ये मैं मैनुअल फाइव स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन की गाड़ी चला रहा हूँ, और जो मेरा पहला एक्सपीरियंस है इस कार में बैठते ही वो ये है कि कार जो है वो आपकी रोड के साथ लग के चलती है। इसका मतलब ये है कि आपको कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप कार को ड्राइव करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप इसकी ब्रेक को अप्लाई करते हैं, और पकड़ के चलने का एक और लॉजिक ये होता है कि जो गाड़ी का कंफर्ट है वो कंफर्ट आपको काफ़ी मिलता है, क्योंकि एरोडायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से गाड़ी को उतना ही पुश मिलता है। अगर गाड़ी थोड़ा ज़मीन से लग कर चलती है तो उतना ही उसको गाड़ी को पुश मिलता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक ये कार को मैं 10 में से 10 दूंगा। क्लच की जो रीच है वो काफ़ी स्मूथ है, इतना डीप आपको नहीं जाना पड़ता है क्लच को मूव करते हुए, और जो गियर की शिफ्टिंग है वो भी इसमें मुझे काफ़ी स्मूथ नज़र आई। बाकी अभी हम थोड़ी सी ड्राइव करेंगे तो और देखेंगे। इसका पिकअप काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा इनिशियल लैग है आपको, एक करीब करीब 2500 RPMs के बाद, सॉरी फॉर दी टंग ट्विस्टर, सो RPM के बाद करीब 2500 RPM के बाद जो है आपको इसमें पिकअप महसूस होगा, लेकिन उसके बाद गाड़ी जो है वो हवा से बातें करने लगती है। और विजिबिलिटी जो है रोड की, अगर मैं मेरे कुलीग को बोलूँ विजिबिलिटी, हम विंडस्क्रीन से देखें तो विजिबिलिटी जो है रोड की वो बहुत ही अमेजिंग है। आपको साइड में टर्न करते हुए साइड ट्रैफिक में कोई ऐसा इसमें ब्लाइंड स्पॉट नहीं दिखाई देगा जिससे आपको कोई तकलीफ महसूस हो। नेविगेट बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं क्योंकि इसका स्टेयरिंग जो है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। अभी हमने इस कार को करीब करीब 20 किलोमीटर ड्राइव किया है, और 20 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद मैं ये आपको कंक्लूजन दे रहा हूँ कि इसका जो स्टेयरिंग है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। स्टेयरिंग जो है वो सेंटर में, खुद ही अपने आप को सेंटर में, रोड के सेंटर में रखता है। AC काफ़ी कूल है, मतलब बाहर काफ़ी गर्मी है, करीब 35-36 डिग्री का टेम्परेचर है, लेकिन मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि बाहर 35-36 डिग्री का 38 डिग्री ओके सो इट इज़। हाँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा, अगर आप देखेंगे तो इसमें 38 डिग्री का टेम्परेचर है, लेकिन अंदर AC बहुत बढ़िया तरीके से कूल कर रहा है, कोई परेशानी मुझे नहीं आई। कंफर्ट के मामले में ये कार को मैं यहाँ से दिल्ली टू मुंबई ले जा सकता हूँ। ये जो स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग पर ऑफकोर्स कंट्रोल हमने आपको सारे बताए हैं। ये जो है ये टिल्ट ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन ये रीच नहीं है, राइट? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सीट जो है वो मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ेगी। इस प्राइस रेंज में आई थिंक टाटा ने बहुत अच्छा काम किया है। आप इस कार के ऊपर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अपनी किसी छोटी कार से अपग्रेड कर रहे हैं और एक मॉडर्न कार देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई थिंक टाटा अल्ट्रॉस जो है वो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। थोड़ा सा अगर हम स्क्रीन की मैं विजिबिलिटी आपको बताऊं तो अभी थोड़ी ब्राइटनेस है बाहर, तो आपको इतनी स्क्रीन की विजिबिलिटी नहीं दिखाई देगी, बट ये स्क्रीन बहुत ही नाइसली डिज़ाइंड और नाइसली प्लेस्ड है, क्योंकि ये किसी तरह से आपको आपकी ड्राइविंग के एक्सपीरियंस को हिंडर नहीं करती है। इसकी रीच बहुत, मैं बहुत आसानी के साथ इसकी स्क्रीन को पे रीच कर सकता हूँ और इसके किसी भी फीचर को ऑपरेट कर सकता हूँ। और जो आपको दूसरी कार मिलेंगी उसकी जो रीच होती है वो थोड़ी सी फार होती है। और अगर मैं इसके टच रिस्पॉन्स के बारे में बताऊँ तो ये किसी भी एक स्मार्टफोन के टच स्क्रीन के बराबर है। काफ़ी इंट्यूटिव और इंस्टेंट रिस्पॉन्स है इसका, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि अगर इसका रिस्पॉन्स इंट्यूटिव और इमीडिएट नहीं होगा तो आपका ध्यान जो है वो सड़क के ऊपर से जा सकता है, एंड दिस एंड दैट कुड बिकम अ पोटेंशियल हैज़र्ड फॉर यू। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक
इस कार को इस सेक्शन के अंदर हम 10 में से 10 मार्क्स दे सकते हैं। सीट कंफर्ट की अगर मैं बात करूं, मेरे कोलीग को मैं बोलूंगा कि थोड़ा सीट कंफर्ट के बारे में, अगर आप थाई सपोर्ट देखें यहाँ पे नाइसली, मेरी थाईज बहुत ही बढ़िया तरीके के साथ रेस्ट कर रही हैं, काफ़ी शानदार थाई सपोर्ट है और मुझे काफ़ी कंफर्ट, टेक्निकली स्पीकिंग काफ़ी कंफर्ट महसूस हो रहा है। मैं जो है वो होंडा CVT चलाता हूँ और करीब 5 साल से होंडा CVT चला रहा हूँ मैं। अब देखिए इसमें ये खास फीचर है, जो अभी गाड़ी अपने आप बंद हो गई है, और गाड़ी क्यों बंद होगी, क्योंकि इसके फीचर में ये है कि आपको बार बार गाड़ी को बंद, जब आप रेड लाइट के ऊपर खड़े हैं तो आपको बार बार बंद करना नहीं पड़ेगा और ये ऑटोमेटिक बंद होगी। और अब ये ऑटो स्टार्ट, जैसे ही आप इसके क्लच को दबाएंगे ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही मैंने अपने इस क्लच के ऊपर पाँव रखा गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो गई। तो ये एक काफ़ी अच्छा हाइब्रिड फीचर है जो इस कार को दूसरी हैचबैक से खास बनाता है। बाकी इसका ये जो इको स्पोर्ट का जो ये मोड है, अगर आप इस मोड का इस्तेमाल करेंगे तो सिटी ड्राइव में आपको इस मोड से जो है आपको माइलेज जो है वो काफ़ी अच्छी माइलेज मिलेगी और डिसअपॉइंट नहीं करेगी। अगर आप, मैं इसको दबाता हूँ, इसको अभी हमने इंगेज किया है, बट इंगेज करने के बाद क्या मुझे किसी तरह का पावर लैग मिल रहा है? बिल्कुल कोई पावर लैग मुझे इसमें महसूस नहीं हुआ है। एक और बात करते हैं, इंजन की नॉइस क्या अंदर आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑफकोर्स जब आप थ्रॉटल को थोड़ा सा पुश करते हैं तब थोड़ी सी इंजन की नॉइस कैबिन में आती है, लेकिन अभी मैं सिर्फ एसी के फैन की आवाज़ सुन पा रहा हूँ, लेकिन इंजन की किसी तरह की कोई नॉइस मुझे यहाँ पे महसूस नहीं हो रही है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम टाटा की कार को, स्पेसिफिकली अल्ट्रॉस को जो है वो 10 में से 10 मार्क्स देने वाले हैं। और मेरी कोलीग से मैं पूछूंगा कि ड्राइवर साइड में उनको कैसा कंफर्ट महसूस हो रहा है बैठे हुए। ड्राइविंग साइड में मेरे को काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट है, अगर मैं देख सकते हैं मेरी हाइट 6 फीट है तब भी मेरे को लेग रूम कितना कंफर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है स्पेसेस, और हेड रूम भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो मैं काफ़ी कंफर्टेबल बैठा हूँ और बहुत ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर। ब्रिलियंट, आई थिंक मैं बहुत ही सरप्राइज्ड हूँ। मतलब मुझे जब ये कार टेस्ट ड्राइव के लिए आ रही थी और मैनुअल थी तो मुझे लगा ओ गॉड ये मैनुअल ड्राइव, मतलब जो इसका क्लच होगा उस क्लच में बहुत हार्डनेस होगी और बड़ी मुश्किल से मैं उसको ड्राइव करूँगा, बट मैं कह रहा हूँ कि ऑटोमेटिक को ये बीट करती है, कन्वेंशनल ड्राइविंग को का मज़ा लेके आती है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, ये प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए। सो आई थिंक ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कॉमन बायर्स को पता नहीं होती हैं और जिसकी वजह से वो एक राइट डिसीजन लेने में चूक जाते हैं। तो ये इस वीडियो को बनाने का सबसे खास मकसद भी यही है कि मैं आप सबको ये बता पाऊँ कि ऑफकोर्स मैं, कोई कंपनी मुझे स्पॉन्सर नहीं कर रही है, ये जो वीडियो है ये मेरी डॉटर का जो यूट्यूब चैनल है कार एंड फोन नेशन, मैं उस चैनल के थ्रू एक कॉमन अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ कि जब आप 6 से 7, 7.5, 8 लाख रुपए तक खर्च करेंगे तो आप इस कार को ज़रूर ध्यान में रख सकते हैं। अभी हम इसके वाइपर्स को जरा एक बार टेस्ट करके देखते हैं, ये इसके वाइपर्स हैं, इसकी रीच काफ़ी बढ़िया है, वाइपर्स की क्वालिटी अच्छी लग रही है, ब्रिलियंट है। अब इसकी ब्रेकिंग अगर मैं आपको दिखाऊंगा, अभी थोड़ा स्पीड में चला के ब्रेकिंग देखेंगे तो ब्रेकिंग में काफ़ी कंट्रोल मुझे मिला है, मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रेक लेते हुए मुझे ये डर लगे कि भाई राइट स्पॉट पे ये गाड़ी रुकेगी कि नहीं रुकेगी, बट ये गाड़ी राइट स्पॉट के ऊपर रुक रही है। अभी हम एक थोड़ा सा इसको क्रूज करेंगे और फिर हाई स्पीड पे इसकी ब्रेकिंग टेस्ट करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरा इसके बारे में क्या एक्सपीरियंस है। हैंड ब्रेक, बाकी चीज़ें मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, बस अब एक जो राइड है वो राइड लेते हैं और उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मेरी डॉटर को सक्सेसफुल बनाएं। ये एक बहुत ही डिफरेंट तरह का स्टार्टअप मेरी डॉटर ने स्टार्ट किया है, जिसमें वीडियो की एडिटिंग
और उससे रिलेटेड तमाम दूसरी चीज़ें जो है वो मेरी डॉटर करती है और मैं उसको सपोर्ट करता हूँ इस वीडियो में एक्ट करके, और मैं चाहूँगा कि उसका ये चैनल जो है वो सक्सेसफुल हो। तो आप इस पूरे वीडियो को देखें। ऑफ कोर्स हम वी आर स्टिल लर्निंग। ऑल राइट, सो बीच में कुछ माल फंक्शन की वजह से हमारा रिकॉर्डिंग रुक गई थी, बट मैं आपको बोलूँगा कि आप इस चैनल को सपोर्ट करें और मेरी डॉटर के इस चैनल को सक्सेसफुल बनाएं, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देखते रहें जिसमें मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊँगा, और वो बेसिक चीज़ें ऑफ कोर्स आपको आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होंगी। अब हम अपनी ड्राइव को कंक्लूड करने जा रहे हैं, और आई होप आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कमेंट करके ये बात ज़रूर बताएं कि इसमें आपको क्या पसंद नहीं आया, और हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो के अंदर उसको बदल पाएं। सो टिल देन, शबा खैर, टेक केयर एंड बाय बाय।